मोमेंट जरा ठीक से समझाओ जब उसने तुम्हें टच किया। मतलब बात करते करते हंसी मजाक में ऐसे हाथ चला गया मेरा उसके गाल पे। ऐसे? अरे मतलब फ्रेंडली टच था ना, कैजुअल। यू नो एक पोएट थे जॉन ड्राइडन, उनकी पोएम की एक लाइन है, लव्स मिस्ट्रीज एंड सोल्स टू ग्रो येट बॉडी इज इज बुक। माने प्यार कितना भी रूहानी हो उसका एक्सप्रेशन जिस्मानी होता है। द लैंग्वेज ऑफ लव हैज द ग्रामर ऑफ टच। अगर ऐसा ना होता तो रोमियो और जूलियट, हीर और रांझा वो एक दूसरे से मिलने को क्यों तड़पते? दूर से भी इश्क कर सकते थे, मरना भी ना पड़ता। तो प्यार को जिद बनाकर बैठ गए। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है प्यार। अगर नहीं कर रहा है कोई तुम्हारी फीलिंग्स को रिटर्न तो मत रखो ना एक्सपेक्टेशन। अपनी जिंदगी, अपने करियर, अपने लाइफ पर फोकस करो और फिर तुम्हें भी कोई मिल जाएगा जो तुम्हारे लायक होगा। एक्सपोज करें, हमें रहना ही नहीं है यहाँ पर। प्यार नहीं करती ना प्रशांत भैया? तुम जानते भी हो कि मैं और प्रशांत क्या चाहते हैं। क्या पता है तुम्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में? हाँ इतना तो जरूर जानते हैं कि वो आपको प्यार करते हैं, अगर आप नहीं करती हो इतना तो। स्टॉप इट। हु द फक आर यू टू जज मी? हाँ एक कपल अगर ब्रेकअप करता है तो गलती सिर्फ लड़की की होती है, ऐसा सोचते हो तुम? कितने ब्रेकअप हुए हैं तुम्हारे, कितने रिलेशनशिप्स में रह चुके हो तुम? हम प्रशांत को ना बदल सकते हैं ना बदलना चाहते हैं, तो क्या हम जीना छोड़ दें, अपने करियर अपने सपनों को गिव अप कर दें? क्योंकि तुम्हारे ट्विस्टेड और फालतू दिमाग में प्यार की यही डेफिनेशन है, इसीलिए। नहीं पता है प्रशांत की हालत क्या है, लेकिन ये जरूर पता है कि तुम हमें यहाँ गिल्ट ट्रिप पर ले जाने के लिए आए हो। बट आई एम सॉरी, हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी है, स्पेशली तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम मच्योर ही नहीं हो टू अंडरस्टैंड कि हम और प्रशांत सेम पेज पर है ही नहीं। ही इज नॉट द मैन आई लव। वो अपने फेलियर को फाइनल मान चुका है, मूव ऑन ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में तुम्हारे हिसाब से क्या हम भी उसके साथ टाइम में फ्रीज हो जाए? एंड बाय द वे, यू फेल्ड माई क्लास मिस्टर चौहान। आंख में आंख मिलाकर बात करना सिखाया था, तुम आंख दिखाकर बात करना सीख गए। तुम दिल के बोरे नहीं हो रजत, पर आई रियली होप फॉर योर सेक कि तुम लड़कियों को और उनकी फीलिंग्स को समझना सीख जाओ।